आज शनिचर के बाद हम कर रहे हैं शनिचर 9 जनवरी के बाद है। अखबार ने जिक्र की है, खबरों फैला है देश के अंदर में और हमारा फर्ज बनता है ये सब आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले बात जरूरी बताने के लिए कि सूरीनाम के जिकन हैसन, क्योंकि ये मिनिस्ट्री फॉर फोर्स को सौंप है का ये फैसला है जो मिनिस्ट्री फॉर फिनांसिंग के साथ ये फैसला लिया है कि खनेश मेडलन दवाइयां बे बद्रेफ खनेश मेडलन फोर जीनिंग सूरीनाम बेफीफीएस के पास, जहां दवाइयां लोग हमेशा खरीदते थे, सिकन हैसन को अपनी कमाई के पैसा से खरीदना चाहिए। डच यार एट एख मेडलन एंड इन कॉम्स्टन एट द डिक्लरासिस बे द डी फर्स जरक फर्सी करार्स मुत वॉर्ड फिनांसियर्ज। ये मिनिस्ट्री शुक्रवार को सिकल हैसन को यह संदेश पहुंचाया है। बेखेफियस जहां पर जहां से लोग दवाइयां खरीदते थे, सरकार फिनांसियर लोग को खरीद करके सिकल हैसन को दिया करता था, अब सिकल हैसन खुद अपने बखरों उतें अपना कमाई से ये सब खरीदना चाहिए। ये फैसला मिनिस्टर फॉर फोर्स को सौंप है, मिनिस्टर फॉर फिनांस ने लिया है कि सिकन हैसन अब अपना खर्चा जो करते हैं उस खर्चा के पैसा जो है खुद तसीलना चाहिए, अंतफांग करना चाहिए और उसी पैसा से जिकन हैसन दवाइयां को खरीदना चाहिए, जिकन हैसन में जो जरूरी पड़ता है। प्यारे जनता, ये फैसला दो मिनिस्ट्री ने ले चुका है। एक घटना हुआ भाई जी सूरीनाम में, ये बार बार ये घटना होता है, ऐसा ही घटना जब दो प्राणी में, दो पार्टनर में, दो कपल में रिलेशनशिप जैसे शुरू हो जाता है एक साल दो साल, और अचानक ये रिलेशनशिप ज्यादा तौर पर औरतें के अलंग से जो आती है कि ये रिलेशनशिप अब बंद हो जाएगी, या ये संबंध जो है ये मिलना जुलना उठना वगैरह अब ये हम लोग नहीं करेंगे या हम नहीं करेंगे आपके साथ, तो वहां बात बिगड़ जाता है। वही बात बिगड़ जाते भाई जी जहां औरतिया या छोड़िया कहा कि देखो भैया अब तू मेरे पास ना आइए तो क्या न देखे मांगिए, तू निकम्मा आदमी है वगैरह वगैरह, आज से रिलेशनशिप बंद। बस वहीं पर बात बिगड़ जाता भाई जी। श्रीमान रूजी टावर फिरन जनक यार, एक ब्रियन तनक यार का बच्ची, इन दोनों में रिलेशनशिप जो था ब्रियन तनक यार का यंग दाम एंड रूजी टावर फिरन जनक यार योहानस मिशेल वैक पर ये लोग रहते थे या वहां पर ये बच्ची रहती है, और रिजी के एक रिलेशनशिप की है इस बच्ची से। इस रिलेशनशिप के अंदर में अनकेंड खबोरन सेल्फ मान दिन के
सात महीना के एक बेबी खबर हुआ। यह आदमी ने, श्री मारुजी ने अपने बेबी को योहानस मिशलबर्ग में समय समय पर देखने के लिए जाया करता था। अब जब गया है एक रोज तो बच्चे ने कहा, देखो ये रलाक्षी अब आगे नहीं बढ़ेगा, यहां पर हम पेंट रखते हैं, यहां पर खत्म करने जा रही है। श्रीमान रेड्डी इस बात से सहमत नहीं हुआ। अपनी मां के लेख करके कल खेस्त्र मोरख खेंग है सामन मैत से मुदर नारत है पद यंग फ्रो ओम है एट एंड अंडर एट प्राटन। भैया रूडी तोवर कल सवेरे अपनी मां के लेकर के योहानस मिशलबर्ग को गया है उस बच्चे से बातचीत करने के लिए कि मामला क्या है कि ये उठना बैठना अब आप बंद करने जा रही है और रतिया की बात है ये मैया गल पूछने के लिए। तो जैसे मां ने या ये वो गाड़ी से उतर के गया बात करने के लिए तो वहां पर बात बिगड़ गया। रिजी ने कहा कि वो लड़का को देखना चाहता है, वो नौजवान लड़की बेबी ला करके रिजी के हाथ में दे दिया। बस जैसे रिजी के हाथ में बेबी गया है, रिजी तोवर पिस्तौल निकाल करके और उस बच्ची के बेबी के मां के ऊपर यानी जिस लड़की जिस औरत से रिलेशनशिप था उन पर तीन मरतबा गोली चलाया, लेकिन वो अपने आप को बचाने लगी ना तो बच गई है, चोट लगा है इसी उसी गोली लगा है, निबल है कि इधर उधर गोली लगा है शरीर में आर्म एंड हिप। उस औरत के भाई ने कोशिश किया ये मामला हल करने के लिए, दौड़ा उनको पकड़ने के लिए तोवर के कि ये का करे का करे, बस उन पर भी गोली चला दिया। उसके बाद में रिजिते भागते भागते गाड़ी में गया जहां उनकी मां बैठ चुकी थी गाड़ी में, लेकिन उनकी मां उतर गई जब ये दौड़ते आ रहा गाड़ी में बैठने के लिए। गाड़ी ने स्टार्ट किया भागने के लिए, गोली चलाने के बाद उस बच्ची पर गोली चलाया तीन मरतबा, उस लड़की के भाई के ऊपर गोली चलाया और भागने की कोशिश कर रहे थे इंदिरा गांधी वे, अचानक एक प्रो वाहन उस तरफ से आ रहा है पुलिस वाहन, बस गाड़ी रोक करके गाड़ी में बैठा है और सर पर लग करके रोक और गोली चला दिया। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस चीफ पहुंच गया, पुलिस चीफ औरत को औरत के भाई को और रीडी को तुरंत कोशिश की स्पुत ऐसे हिलप को ले जाने के लिए, लेकिन स्पुत ऐसे हिलप पहुंचते पहुंचते रीडी तेज तोवर उनका मृत्यु हो गई है। प्यारे भाइयों जनता, रिजिते फिर तक यार जब अपने पत्नी के ऊपर गोली चलाया क्योंकि रलाक्षी इस औरत ने बंद कर दिया, तो यह आदमी ने आत्महत्या कर लिया है, रिजिते आत्महत्या की। लेकिन यह बात वो सोच रहा था कि उनकी पत्नी भी देहांत हो गई है और उनका पत्नी के भाई जो है सार वो भी मर गया होगा, तब अपने सर पर गोली पिस्तौल रख करके गोली चलाया, लेकिन औरत उनका भाई वो बच गया हंसी के है इसमें,
लेकिन रिजितेई का मौत हो चुका है। रिजितेई तवर फिरन दैट यार ही गेस्टर इज होटन गोलोस्ट ऑफ अ यंगर फ्रॉ मेट वी है एर्गर एन रिलेशनशिप हैड एन हर ब्रोर हे ही डरना जलकबोर्ड कप्लीग। ये समस्या भाई जी देश के अंदर में बहुत होता है, जहां औरत ने कह दी कि देखो वो कारण भी बताती ना, अब आप ना आइए यहां, तू पियक्कर है, तू चोर है, तू धोखाबाज है, तू झूठा आदमी है, तू लबार आदमी है, अब तू यहां ना आइए, बस वही बात बिगड़ जा रहा, वही पर बात बिगड़ल, वही पर मारपीट होने लगता है, और वही पर या वो औरत को कत्ल करता है या खुद अपने आप को आत्महत्या करता है। मांस की तो फ्रो एनहार ब्रूर, और अपने तो मौत हो गया है और बाकी लोग चिके है इसमें बच गया है। भाई जी देखो लॉकडाउन तो है सूरीनाम में भैया जी, 7 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन रोज कोई न कोई आन रेडिंग होता भाई जी, रोज आन रेडिंग। आप तो जानते हैं भाई जी ऑफ द हुक पोवीसी एंड सबाकुस्ट्राट, एक जबरदस्त आन रेडिंग हुआ, 2 मोटर गाड़ी अपने में टकराया, दोनों पुरान गाड़ी थे इसलिए दोनों गाड़ी एकदम से झरझरा करके उखड़ गया। बहुत सोचने के बात है कि रोज कोई न कोई फ्रंटल बॉक्सिंग देश में होता है। हम आपको बताना चाहूंगा कोविड 19 के सिलसिले में, कोविड 19 पशंतन, इतना पशंतन धीरे धीरे हो गया है, मैंने आपसे जिक्र है इसके बारे में जिक्र किए थे, वानिका के शिकर है भर गए सगरों जहां जहां पर शिकर है इसमें पशंतन जो रखा गया भर चुका है। अनखुक पर्सोनन द पॉजिटिव टेस्ट इज ऑफ COVID-19, ये सब एक ऑफंग सेंट्रम रेसिडेंस इन में रखा गया है, रेसिडेंस इन। क्लोडिया रेदान डायरेक्टर फॉर अकादेमी सिकन है इस पारामारिबो बोले हम लोग को यह करना पड़ा है क्योंकि जगह सग्र जगह भर गई है, और पहले जब कोविड 19 की शुरुआत हुआ था तो रेसिडेंस इन में वहां पर लोग को रखा गया था क्वारंटाइन में जैसे लोग कहते हैं। अब पहला झटका था स्वास्थ्य पर्सोनल और अब से तात्विक पर्सोनल वही जगह पर रखने को जा रहा भाई जी, तात्विक पर्सोनल मौसी। प्यारे भाइयों ये जब हम लोग के रोजाना खबर मिलता है कितना लोग बसमैच होकर के आता है, काल था फिरन ताख्तक, 24 घंटे के अंदर में फिरन ताख्तक लोग। मैं बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त एक्टिव है बसमैच फेई फोनत सेशन नई घंटक और हॉन्दत एंड एन डर तक लोग इनका मृत्यु हो गई है कोरोना वायरस के द्वारा, 100 तक की मृत्यु हो गई है। कल इंटेंसिव केयर में 9 लोग थे, आज 8 है क्योंकि एक का देहांत भी हो गई है और नया लोग 104 लोग के बाद है भाई जी, 104 पर्सन। ये कोरोना वायरस के बाद है
लोग सोच रहे थे कि यह खत्म हो गया सूरीनाम में, लेकिन ये तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और समझ में नहीं आता है कि सरकार ये मामला कैसे हल करेगा। हमारा खर्च खुला है, फ्रांस गुयाना, गयान, और लोग आते जाते हैं, न जाने की कितना लोग और मुस्मत होगा सूरीनाम में। लेकिन ये मामला भाई जी, ये जनता के हाथ में है। अगर जनता समझ से काम नहीं करेगा तो ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और हमारा देश में लोग बसमैत होते रहेगा, जो सरकार और न हम न डॉक्टर आपको समय पर नहीं बचा पाएगा। बहरहाल इसके बारे में बाद में कुछ और कहा जाएगी, लेकिन अभी तक मौका है देश के निवासियों, अपने आप को बचाओ, देश के जनता को बचाओ, अपने परिवार के बचाओ। ये मंथ और देश कब के बारे में जिक्र होता है, अगर ये आप लगा करके नहीं चलेंगे तो आप समझ सकते कि आप बीमार भी हो सकते हैं या आप किसी को बीमार कर देंगे। खैर, अखबार ने जिक्र करी से बलोव द बेल्ट अलाउंस इन्वेस्टर्स नोक नीते जेख्ट Het wachten is op de vele investeerders volgens de coalitiepartij, die volgens de coalitiepartijen staan te popelen om in Suriname onder nieuwe leiderschap te komen investeren. Bye, Jay. 6 maanden ho chuka hai, bhai Jay. अभी तक ये जो इन्वेस्टर्स ने वादा किया वो अभी तक पहुंच नहीं पाया सूरीनाम में। अखबार ने जिक्र करी से भाई जी, और खास करके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग, बोले ये मामला इसमें कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा तो देखेंगे कि सच्चाई तौर पर हकीकत में लोग यहां आकर के इन्वेस्टर करना चाहता है। जैसे आप लोग जानते हैं, बार बार सूरीनाम के लोग डायस्पोरा खमीस खाब के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि लोग ने कहा कि डायस्पोरा इन नीदरलैंड एंड फरमोखन फंड मिनिमम 2 मिलियर्ड यूरो, इतना यहां आकर के इन्वेस्टर करना चाह रहा है। डायस्पोरा अभी तक सूरीनाम में आया नहीं, और अनेक अनेक बात वो करते हैं, खास करके कुछ क्वालिसी लीडर, कुछ ओपोजिशन के बात चल रहा है कि वार इज डायस्पोरा, डायस्पोरा बैंक, डायस्पोरा बैंक कहां, डायस्पोरा के पैसा कहां है, डायस्पोरा के खमीज का कहां है, ये 2 मिलियर्ड पैसा कहां रहेंगे, क्यों नहीं आता है। यही के बारे में लोग चर्चा करने लगा है, या असेंबली में या असेंबली के बाहर, कि कहां है डायस्पोरा के कैपिटल, ये कब आएगा। भाई ये है हमारा सूरीनाम के जनताओं का विचार। अब जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंशियल, खास करके इंपोर्टेंट लोग से कहा कि जो लोग 62 खुदरा के लिए पैसा लेना चाहते सेंट्रल बैंक के द्वारा, उनको पैसा मिलेगा, डॉलर्स मिलेगा, और यह पैसा
om de basisgoederen te verlagen, sesta me bezne kilie. 1429 centrale banken koers ke mutabik, ruim 28 goederen. Je sarkar is na mang kia hai na. अब जो इतना मांग किया है तो सरकार को मौका देना चाहिए कि कौन इंपोर्टर्स तैयार है, यानी कि सेंट्रल बैंक से पैसा लेकर के और बासस खुदरन लीफस में जो लोग कहते हैं हमारे देश के जनताओं के लिए मंगाने के लिए। कल मैंने कहा था ये ठीक बात है, अच्छा विचार है, लेकिन जब ठीक से कंट्रोल ना होगा तो सौदा जो आप बैंक के कोर्स के मुताबिक मंगाएंगे वो स्मगलर्स ले देखो फ्रांस कियाना को जाता है या गयाना को जाता है। तो इतना बात आप लोग को याद रखना चाहिए कि पैसा देने से भी एक जबरदस्त कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। कौन दुकान में ये सौदा बिक रहा है बासस खुदरन सस्ता दाम पर। देखिए भाई जी, मरवेन और कमवेन के बाद जिक्र हुआ है वाटरलेडिंग नेट के बारे में। ये दो डिस्ट्रिक्ट के बाद है कमवेन और मरवेन। रशियन का विचार है 6 महीना के भीतर कमवेन और मरवेन जहां पर इस वक्त वाटरलाइन नेट नहीं है वहां पानी पहुंचाने के लिए। यह रखेरी नाम से वाटरलाइन मस्कपाई से बातचीत की है प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी कि 6 महीना के भीतर में कमवेन और मरवेन में पूरा पानी के बर्बस हो जाना चाहिए। सरकार ने यह बातचीत किया है और 6 महीना के अंदर में ये सब चीज हो जाना चाहिए, यह मुमकिन है। इसीलिए सरकार ने कहा 6 महीना के भीतर में ये सब करने के वास्ते। तो कमवेन एंड मरवेन के बाद इस वक्त हो रहा है। देखिए रखेरिंग जानता है कि लकड़ी का एक्सपोर्ट जोर तोर से हो रहा है, सूरीनाम से बाहर मुल्क जाता है, लेकिन पूरा पैसा काश में नहीं आता है। द इनकमस्टन एट द एक्सपोर्ट पर होट मुतन तुर्क फ्लूयन नाट अ साम लिफिंग। ये जो लकड़ी कटे संदा में, तो जाने कितना लकड़ी कटे मौसी, कितना ज्यादा लकड़ी कटे पेड़ तू देखिए। सरनाम के जंगल के पेड़ कहीं कहीं 3-3 केती के पेड़ बापा, न छोटा इतना लंबा लंबा पेड़ वो काट करके लोग कंटेनर में भर के मंगा मंगा के लकड़ी प्रदेश जाता है। यहां हाफों से छूट रहा है, इनपुर रक्त भरते हैं, लेकिन बेल्टला ने पता चला कि वो दुगना वहां पर उसका कीमत है। अब ये मामला दुआने अंतनार को अंदरसुख करना चाहिए या एक स्पेशल यूनिट को अंदरसुख करना चाहिए कि कंटेनर में जो लकड़ी दिखा पलंगा तो पलंगा है या रेस्टाशिस जिसमें और कुछ है। अभी आप जानते हैं कुमवेन से एक कंटेनर में भरल भैया लकड़ी, भरल लकड़ी बप्पा, लेकिन वही लकड़ी के बीच में स्पोर्टाशिस कौका की और वही में ड्रग्स वगैरह था। सिपाही तो बसलाख में ले लिया, लेकिन ऐखनार का नाम अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, समझे ना काका। तो ये लकड़ी इतना ज्यादा लकड़ी है बाप, चिनवा लोग कहीं कहीं लकड़ी काट के ले जाता है। ये पैसवा के कई जगह जा है, कौन कास्ट में जा पैसवा।
अगस्त सूरीनाम के सरकार खाली लकड़ी के एक्सपोर्ट के पैसा उत्पन्न करे तो कहीं पैसा सरकार को खोजने के जरूरी नहीं पड़ेगा, वो देश को चला लेगा। लेकिन बप्पा इतना लकड़ी जाते बैठलन, पता नहीं कितना पैसा कश में आता है, सोना जाता है, ये जाता दियामान जाते हैं, कितना पैसा कश में आता है। हमारे देश के सरकार को चाहिए कंट्रोल यूनिट, फौजी सिपाही खर्च पर रखने के लिए, सब लोग कंट्रोल करने के लिए, तब कहीं तो सरकार ठीक से अपना बलैत एजपुर कर पाएगा। जब तक सरकार फौजी और मिलिटर और सिपाही को जगह जगह पर नहीं रखेगा कंट्रोल के लिए, सब वाह वाह हो जाएगा। कितना चीज बाहर जाता है, कितना लोड के आता है, कितना क्या होता है, इसका रिपोर्ट, काफी रिपोर्ट अभी तक छुपा है। प्यारे प्यारे जनता, मैं आगे बढ़ते हुए सूरीनाम के जनता, देश के निवासियों, एक मामला ऑफिसी फर्स्ट की श्री शांत महादेव, श्रीमान ग्लेन का एनसीएफ तक यार, उन्हें 4 साल के सजा के मांग की है। The verdict was van een seksueel misbruiken van zijn 11-jarige kleindochter. सिपाही के बखलेजिंग से यह आया कोर्ट में, क्योंकि ये रिहाई कर दिया गया है कुछ दिन के लिए। ये उत्कंठ कर रहा है, ग्लेन का उत्कंठ कि इन्हें फंसाया जाता है, इन्हें फंसाया जाता है। इसलिए भाई जी, जैसे आप जानते हैं, यह मामला आगे बढ़ते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि ऑफिसियर के मांग हो चुका है ना, और एक बारे में रखकर फैसला लेने को जा रही है। मैं देख रहा हूं कि एक औरत कॉल सेंटर में पैसा चोरी की है। अब सुनिए ये बात, मैत्री कुलदीप सिंह रेक्टर के सामने खड़ी है फरीदा तेई। इन्हें फॉर ऑल गिल्ट तो 5 maanden सेलस्ट्राफ, 3 maanden एंड 21 dagen voorwaardelijk, फिर प्रूफ टाइट है। The manager van het call center deed aangifte van de diefstal. Farida T. was in dienst van het call center en deed boodschappen en financiële zaken voor het bedrijf. ये पैसा के कारोबार कर रही थी। मैनेजर देखिए, का मर्तबा पैसा न है तो स्पर्श के कुछ गलतियां भी तब ऐसे है, लेकिन क्लोइस में से पैसा निकलने लगा, क्लोइस में से पैसा निकलने लगा। इन फरवरी 2019 ज्यादा फर्शखेल था बाप, ज्यादा कमती पैसा। तब ये लोग डायरेक्ट से एक कैमरा छुपा करके एक कैमरा लगा दिया चोर पकड़ने के लिए, फरबोरखन कैमरास। बस फरीदा टी क्लाइस में से पैसा निकालते हुए समय उनका फिल्म बन गया, काकी फिल्म बन गया, फिल्म जैसे स्टारिंग फिल्म बना, कैसे काश मुझे पैसा चोरी कर रही है। प्यारे प्यारे जनता, फरीदा गिरफ्तार हुई, समझे ना,
Zij verklaart geen geld te hebben weggenomen. Bole beelden, nakli beelden banaya gaya hai, unhe phasane ke liye. Unhe phasane ke liye unka beeld nahi hai. Ye bhi mamla chal raha hai Suriname mein. Samjhe lo bhaiya. एक औरत के बारे में हम आपको बताए थे यूसुफ इसराइल स्ट्राट में. यह औरत भैया दुकान गई, मोटर गाड़ी बहुत अब चल रही है, घुर घुर और मफरो गाड़ी खड़े करके दुकान गई कुछ खरीदने के लिए, एक दुकान से दूसरा दुकान, और अचानक देखे कि एक चोर घुस के गाड़ी में और गाड़ी लेकर के भागने लगा. बेचारी औरत दौड़ल पकड़ने के लिए, मोटर का पर कूद पड़ी बम से, बाकी चोर चलाक आदमी का रैम कर दी, बस मफरौ काप से नीचे गिर पड़ी, उनकी दो हाथ या वगैरह टूट गए भी, और ये गाड़ी लेकर के चोर भाग गया. ये मोटर गाड़ी कल मिला है यूसुफ इसराइल में, चोरी भैल है, लेकिन ये गाड़ी मिला है मूसा इसराइल में. ये गाड़ी मूसा स्त्रात में कल मिला है. जैसा आप जानते हैं, जब यह गाड़ी लेने के लिए लोग गया सिपाही, तो ज्यादा से ज्यादा ये स्लोप करके गया है, स्लोप करके गया ज्यादा. अब यह बात तो आपको पता है भाई जी, ये चोर ने लेकर के गया है, ये मूसा स्त्रात में छोड़ दिया है, यूसुफ इसराइल स्त्रात में लेकर के वहां से भागा और मूसा स्त्रात में गाड़ी छोड़ दिया है, समझे ना. और सिपाही अब्बा आगे चल करके उन्हें सुख करता है ना, के कर सकता है, ये के किया है ना भाई जी. एक अरस्तान कल शाम को ये वक्त रेंट जहां कोर्ट कचहरी होता है, एक अरस्तान कल शाम के बात है, वक्त रेंट फन पुलिसी ब्यूरो परमारी बो, बस वहां से ये मौका पाइस भागे के बस भगा चोरवा मौसा भागा थे दाम पर. अब सिपाही लोग बोले देख देख का, अरे पीछा कर लो कर, कुछ घंटा लगा लेकिन लोग ने उनके गिरफ्तार कर लिया. फिर से लेजन फंड रेफियो बेस्टंट पर हमारी वो उन्हें एंगल ब्रेक्टवेक में जाकर के गिरफ्तार किया, एंगल ब्रेक्टवेक में. ही वॉज खबोइट ऑन एन बंक इन द वक्त रेंट फन हेड पुलिस ब्यूरो खपलाच. प्यारे भाइयों, वो धीरे धीरे हटकड़ी जो हाथ में था उन्हें खोल करके और वहां से भगा भैया कूद करके. लेकिन सिपाही इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया है, फिर से गिरफ्तार किया है, और है इस ओल्ड बकेंड, ये पुराना मेहमान सिपाही का, ये जेल में आता जाता है, आता जाता भैया ना, जैसे लिट मां के लिट. प्यारे भाइयों, ये आदमी है स्टॉप्ड इन अ बोट ऑन द ओवर स्टेक ना कम अवे इन टू डून ऑन फॉर फोकस मेट अ टैक्सी नर हेस ऑन द एंगल ब्रेकफास्ट खान. सिपाही को खबर मिला भैया, वैसा ही सिपाही पीछा किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एंगल ब्रेकवेक ये कमवेन में है और परमारी भी उसे भगा है. देख लो क्या बात है. अब हम आपको बताएंगे भाई जी, मुकदमा चल रहा है कृष्ण कुमारिस बे फॉर फर्स्ट पपीर क्रेखन
Krishna Muris Bay om een vervalste papier te krijgen. Pyare bhaiyo, voor een wapenvergunning. Ja, Likaki Krishna Muris Bay ging bij de politieman Vikash Jee om hulp te vragen voor een wapenvergunning. Krishna Muris Bay om vervalste papieren te krijgen om zijn wapen. Je sab cheez ke liye kagaj ke maang kiya. Ek nakli kagaj ke baare mein. Nakli kagaj. Shayad ye dikhana chahte hain log ke kinke paas pistol hai ya wagaira hai. Lekin 4 March ko ye muqadma judge ke samne aayega to dekho kaun faisla judge le raha hai. Ab hum aapko batayenge Gavin Pay ke baare mein. Gavin Pay रेक्टर मैत्री कुलदीप सिंह के सामने खड़ा कल 12 महीना सेल स्टाफ वार्फन फेई फुरमार जलक वैसे आफ ट्रैक फोर अरेस्ट में ये जैसा आप जानते हैं दो परानी में झगड़ा होता है दो परानी में झगड़ा अमन बेल्टन के इंफान द फरदाख्त दिक्वाम इन वोनन जहां पर गैविन पे रहता है जिसके घर में तो उनका एक पहला औरत का लड़का भी वहां रहने के लिए आया है द फ्रॉ वैट मूवन दिन द हेलटेज डोर हेम बेसहडल्ड एंड बदरेख अल्स हे फोंड दैट से हीन खुद आंतोर्ड खाफ औरतिया बारत मार खाई भैया गैविन औरतिया को पीटते गया 20 अगस्त को धमकी दिया कि तो के हम गाड़ी से उड़ा देवे तो के कुचल देवे और बोले कि और क्या कहती है कि इनके बच्चों के सामने ये गाबिन बार बार उन्हें तमाचा मारते बेइज्जती करती है यही सब घर का मामला था भाई जी और क्या मार खाते गई बस नाजिश करिस ना ये मुकदमा आगे बढ़ेगा और या खास करके मुकदमा यहां खत्म हो गया है क्योंकि रेक्टर थिबाल अपमान सेल्स्ट्रा वार्फन फेई फॉर वार्जलक मेट आफ्टर एक गेविन पेई बड़ी पिटाई पीजी से रुतिया के भाई बड़ी मार मारत है इसी कारण से इतना सजा उन्हें मिला है दोस्त देखो देश में जहां एक पपल में झगड़ा भेल मौसी तब मारपीट शुरू होने लगता है कितना मारपीट कैसे करियो भैया चलेंगे आगे तो हम आपको बताना चाहते भाई जी यहां पर ये बात लिखा कि नास्त मार्च शर्मक्का इन ऑफ द्रफ फॉर द डिस्ट्रेस कमिश्नर फॉर शर्मक्का शरीन बंशी दुर्गा जहां पर मार्च खबाव है ऑन द मिस खिंस वेख एजत रिसोर्ट ग्रोनिंगन वहां पर बसखुइंग के काम शुरू हो गया है बसखुइंग की ताकि मट्टी ना बहे शांति ना बहे ये वहां के आर्बेडर फॉर सिफियो टेक्निस डिस्ट फॉर द डिस्ट्रेस कमिश्नरियात ऑन द लेडिंग फॉर डिस्ट्रेस सेक्रेटरीज गोपाल देव राम खेलावन वहां पर एक ब्यूरोक्रेट ग्लैन मंगल वो पूरा तौर से सहायता दे रहा है कि वो जाकर के अपना हेस क्रान भेज करके ये काम करवा रहा है डिस्ट्रेस कमिश्नर्स बहुत से बहुत धन्यवाद दिया इस आदमी को और जो हॉट मटेरियल वो भी यहां के मजदूर के जरिए यानी कि काट काट करके लाया गया है गाड़ने के लिए बस कोई करने के लिए
ताकि शांति मत बहे मट्टी भट टूटे, बाजार के बगल की ये बात है। और वैसे तो प्रेस काउंसिलर के बारे में कहा कि उन लोगों को त्रय नहीं मिला है, दुकान में जो सौदा बिकेगा सर मक्का में वो सब यानी कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पैसा ज्यादा मंगा में जो बिकेगा तो प्रेस कंट्रोलर जो है, और यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट बस्ती के लोग को जो ट्रेनिंग मिला है ये सब वहां पर जाकर के सुख करेगा। एक बात चले निकेरी कलम आज नेमर आकाश गुदार 1 जनवरी को श्रीनम कनाल को वहां सफाई शुरू कर दिया है। देखिए निकेरी में एक कनाल का नाम श्रीनम, श्रीनम कनाल निकेरी में एक कनाल कंदाल जिसको कहते हैं वो का नाम श्रीनम। यह द्रियन डर तक 50 किलोमीटर लंबा है, डर तक मीटर ब्रेट है, जैसे रीवा लगे बप्पा श्रीनम कनाल में मौसी एक एक त्रापुंग पांच पांच ना पांच लंबा चार भी ना तीन तीन हाँ तीन चार समझ हाँ दो दो मीटर के भैया त्रापुंग मन है दिलगी के बात ना भौजी, त्रापुंग मोटा मोटा जो पूछी उठा करके कोई के मार दे तो सब दांत झड़ जाए। श्रीनम कनाल द्रियन डैटिक 50 किलोमीटर लंग एंड डैटिक मीटर ब्रेक। तो उमा पटाका और दूसरा चीज के बात हम ना करी, हम त्रापुंग के बात करी ना, भारी भारी चीज बप्पा। एक त्रापुंग का पकड़ के ले जाओ तो गांव भर खाते वहां समझे लगा के। ये वहां पर आने मर ये कनाल को सफा करता है वो के छोड़ करके ऑन द कपोट डे द फन द अंडर हाउस डाम पे हर स्टेल जहां जहां टूटल जहां पानी बहता है उसको भी फिर मट्टी से बंद करने के लिए यह शस्त्र दाखन काम होगा 2 महीना शस्त्र दाखन। और ये 2 साल के अंडर हाउस के बातचीत चल रहा है 8 साल को अंडर हाउस घास से भर गया बप्पा। एक आकी तो सुन ले बतिया नानी पाउडर में एक कुकुही 50-50 सेंटीमीटर के यहां सुनी 60 मीटर वाला सेंटीमीटर वाला कुकुही तो याद कीजिए भाई जी ये दाम ये कनाल को सफा करना बड़ी जरूरी है। ऑन दैट हेट वाटर ले फर्थ पन ए द वकाई पंपन वकाई पंप नार द फर्शील एंड द पाउडर्स समझे भैया। तो अब जैसे पता कि ये प्रोजेक्ट वास खराम ऑफ ऑफेर 3,089,000 फीट तक लेकिन ये जो काम पाई है वो है 3,950,000। प्यारे जनता हेट इज कंट फॉर 2,950,000 पार्लियामेंटारियन निशा झकरी heeft zich georiënteerd en zegt heel tevreden te zijn met de werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Assembleelid Nisha Jhakri, Nikeri ki hai. Bhaiya ji, ye Nikeri ke mamla tha. Aur pyare bhaiyo, aur aise to aap jante hain डीसीएस कमिश्नर शरीन बंसी दुर्गा जनता से निवेदन की है एक पौधर मेल बकैन आस बकलेडिंग वहां पर फैल मत खोद फेंकना। और जनता ये बात शायद समझ गया होगा कि डीसीएस कमिश्नर का मांग तो मांग है, इसलिए यारिकाबा ये चांदिशा व्यक्त सबसे गुजारिश है कि फैल मत फेंकने के लिए वरना
conform article 906 for the police strafwet, यहां पर फेल या मरल जनावर या अफल जो फेंकने के मिनाही है, एक एक पौधा वगैरह, तो आपको जार लग सकेगा, जार लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों, यह बात आपको बता दी गई है कि आप लोग को मैला वगैरह मत फेंकना चाहिए, क्योंकि वहां चांदी शाहबाग से अब आप जा सकते हैं कि यहां एक एक त्रैमासी ओठ है, उस तरफ सफा होना चाहिए, सफा रहना चाहिए। इसी कारण से हम लोग ने गुजारिश की है, हमारा जो विशेष कमिश्नर और खास करके वहां के हमारा सेक्रेटरी से गुजारिश है भाई जी, श्री गोपाल देव राम केलावन जी, कि अगर हो सके तो आने वाले दिनों में एक एक के मासी ओर के रास्ता तनी ज्यादा घास भी हो चुका है बगल में, तो उन्हें तनी बसने करने के लिए, तो यह काम आने वाले दिनों में होगा वहां। तो ये जनता के लिए यह संदेश भेज रहा हूं कि जो ऐसी उसे जंगल ज्यादा दिखा है, वो बहुत जल्द उसको माइक किया जाएगा, ब्रश कटर से या और कुछ से, लेकिन उसको काटा जाएगा। देखिए, आपका समय हम आज बहुत लेना नहीं चाहते भाई जी, रोज रोज हम यही कच्चा ही आप लोग के कान में भरेंगे तो आप सुनत सुनत थक जाएंगे ना काकी। यही कारण है कि हम आपसे बहुत जो बबाल लिखा कुरान की में, ये सब बबाल हम आपके सामने नहीं रखना चाहते, काहे के ये सब बबाल आपके कान में हम रखे जाएगा तो आपका वीकेंड खराब हो जाएगा, आपका वीकेंड जो है ना ताकि बिगड़ जाएगा। इसी कारण से एक बच्चे को हम बधाई देने जा रहा हूं ना, और वो है आशा द्वारका भिखारी। आशा द्वारका भिखारी मास्टर ऑफ साइंस इन एजुकेशन का डिग्री हासिल की है ना, तो ये अच्छा बात है कि बच्ची ने पढ़ी सब और उन्हें ये बड़ा बिल दी गई है। आशा द्वारका भिखारी रापार की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, उनका एखनोद सुरेश द्वारका की तरफ से उन्हें बधाई दिया गया है। और मालती द्वारका सिंह एन यानी वारी से नया डायरेक्टर फॉर फ्री नकिंग श्री नाम से बदलाई शरीफ PSB का बैठाई गई है, समझे ना। मफला द्वारका सिंह एक नोम पढ़ी से एरफारिंग है, जाने की कैसे काम वहां होना चाहिए, इसलिए इन्हें वो जगह दी गई है। मालती द्वारका सिंह इन जनवरी 2020 द न्यू डायरेक्टर फ्रॉम द प्रिंटिंग श्री नाम से बद्रेशलीफन उनको बैठाई गई है। मुबारक हो, मुबारक हो। यह सब बात कह करके भैया जी हम आप लोग से इजाजत चाह रहा हूं, आप मुझसे रहियो, अच्छा से रहियो, ताकि हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।